जून से 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का सत्र चलेगा। तो देखिए, जिस खबर का सभी को इंतजार था वो खबर आखिरकार आ गई है। संसद के नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नव निर्वाचित सदस्यों का सबसे पहले शपथ ग्रहण होगा। जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो जाएगा। नई संसद भवन में ये सत्र शुरू होगा। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक सत्र चलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चुनाव किया जाएगा। इसको लेकर सब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 24 जून से 3 जुलाई तक की सेशन चलने वाला है। इस सेशन में जितने नव निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा के, वो सभी शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें आपको, और अब बारी है सांसदों के शपथ ग्रहण करने की। तो 24 जून को संसद बुलाई जाएगी। संसद के पहले दिन ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इसके बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव इस दौरान ही होगा। हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, 24 जून से संसद के सत्र शुरू होने क्या तैयारियां उसको लेकर है, क्योंकि नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी होगा, और अगर बात करें लोकसभा स्पीकर की तो रेस में सबसे आगे किसका नाम है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का पहला सत्र देखने को मिलता नजर आएगा नई सरकार के गठन के बाद। वही 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का जो पहला सत्र है वो आज बुलाया गया है। इस दौरान नए सांसदों का जो शपथ जो है दी गई है। जहां तक लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं तो जो है बीजेपी आखिरकार भरोसा करती हुई नजर आई, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था कि टीटीपी ये चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो कहीं ना कहीं फिर कोई नया नाम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। ये तमाम चीजें जो है जल्द स्पष्ट जो है होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जो संसद सत्र है उसकी तारीखों का ऐलान जो है आज कर दिया गया ऑफिशियल। तमाम जानकारी के लिए 24 जून से संसद का सत्र शुरू होगा। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू होने वाला है और ये 3 जुलाई तक चलेगा। तो इस दौरान कई बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण जो बिल है वो भी पास होंगे। लोकसभा स्पीकर का सबसे पहले तो चुनाव जीतने उनका शपथ ग्रहण भी किया जाएगा।